वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, दिस इज मियाना हियर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो टाइम आ गया डिस्क्लोज करने। वैसे भी टाइटल देखे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो यस, आई एम गोइंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि मेरा बकेट लिस्ट में एक था तिख होके, एंड आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट फॉर सो लॉन्ग। एंड मैंने सोचा इंटरनेशनल ट्रिप नहीं जा रहा, तो भी तो अपने जो बकेट लिस्ट थी उसमें से एक टिक हो गया तो भी बहुत हो गया। सो इसलिए मैंने सोचा चलिए चलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर जा रही हूँ, फिर वहां से नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड सब एक्सप्लोर करूंगी। मेरा इस बार का मतलब एकदम प्रॉपर सोलो ट्रिप होगा, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मेरा हर एक एक्सपीरियंस मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने मिलता है। एंड दिस टाइम मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड जगह है, ऐसा लगता है। बहुत कम लोग जाते हैं वहां पे, तो इसलिए मैंने सोचा जिस टाइम मैं जाऊंगी तो भी मतलब कैसे आप लोग भी अगर मेरे जैसा ट्रैवल करने का मन करेगा तो क्या क्या जानने का मन है, मैं सब आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस पूरा लेजिट पूरा रो एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड ऑल्सो आई होप आप लोग भी एक्साइटेड है मेरा इस जर्नी पे। एंड मैं अपने लिए ये एक बर्थडे गिफ्ट के हिसाब से मैं ट्रिप ले रही हूँ, एंड आई थॉट कि दिस टाइम मतलब इस बार से मतलब हर साल मेरा जब भी बर्थडे होगा तो आई विल टेक ऐसा कुछ कुछ ट्रिप जो खुद के लिए एक छोटा सा गिफ्ट दूंगी मैं खुद को, ऐसा सोचा है मैंने। तो मतलब रदर देन सेलिब्रेटिंग ऐसा ग्रैंड से मैंने ऐसा सोचा है। सो या दिस टाइम दिस इज माई फर्स्ट टाइम अपने लिए एक तोहफा, एक छोटा सा गिफ्ट। सो या एंड ऑल्सो मेरा आज मैं मुंबई में आई थी, दो दिन आई स्टेड हियर। दिया को मिला, आज रात का फ्लाइट है 10:40 का वाया कलकत्ता। कलकत्ता में 11-12 बजे पहुंचूंगी, फिर सुबह 5 बजे का फ्लाइट होगा, और नेक्स्ट मॉर्निंग को 8 बजे मैं पोर्ट ब्लेयर पहुंचूंगी। सो बहुत लंबा जर्नी है एंड एक्साइटेड अबाउट इट। एंड अभी तो बज रहा है टाइम 3 बज रहा है शाम का, और मैं सोचा थोड़ा टाइम है मेरे पास अभी भी खेल करने, तो मैंने सोचा चलिए मुंबई, बहुत समय हो गया। मैं बीच मुंबई में गई थी, मोमदेव के साथ ही गई थी, 2014 को गई थी मैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो वर्सोवा बीच घूमते हैं। जूहू बीच तो वैसे भी बहुत ज्यादा गंदा होता है लगता है ऐसा, तो वर्सोवा बीच थोड़ा उससे क्लीनर है और थोड़ा सिक्लूडेड है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ वहां पर। और मैं एक अपनी पुरानी दोस्त से वहां पर हाई हेलो करूंगी, मिलूंगी, एंड ऑल्सो मैं होटल से चेकआउट भी करूँ, लगेज लेके जाऊंगी, थोड़ा बीच में टाइम स्पेंड करूंगी, फिर वहां से फिर वापस बाद में एयरपोर्ट जाऊंगी। सो या बने रहिए व्लॉग में, दिस व्लॉग इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा रो एक्सपीरियंस, मेरा सोलो एक्सपीरियंस आप लोग जरूर देखना। या सो मच टू से बट बाद में बोलूंगी। सो या बने रहिए व्लॉग में, लेट्स गो। हाय गाइस, रेडी हो गई हूँ। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, व्हाइट शर्ट, येलो क्रॉप टॉप, द सेम पैंट एंड व्हाइट शूज एंड बैकपैक वेयर ऑल माई गैजेट्स आर, एंड या बस सिंपल, and that's my bag. So let's go now. Super excited. मैंने इस बार बहुत जानबूझ के कम पैक किया है, बिल्कुल कम, सो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ कि मेरा कपड़ा कम ना हो जाए, मतलब और बहुत सारे कपड़ा मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत कम शॉपिंग करने लगी हूँ ऑब्वियसली, लाइक आई हैव टू सेव मनी फॉर माई नेक्स्ट फ्यूचर ट्रैवल प्लान, सो इसीलिए मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, इसलिए मैं नया कपड़ा नहीं लिया दिस टाइम, ओनली मेरा पुराना क्लोजेट में जो भी था कपड़ा। सो या अभी जा रही हूँ मैं, चलो। ये देखिए मैं बीच पहुँच गई हूँ, बहुत ही गंदा बीच है ये देखिए, हॉर्स राइड भी होता है यहाँ पे, शाम शाम को घूमने का अच्छा लगेगा आप लोगों को यहाँ पे बीच पे आएगा तो। मैं यहाँ से वापस अभी जा रही हूँ कैफे साइड में कुछ खाने जा रही हूँ, मैं कुछ खाया नहीं अभी तक। और यहाँ पर है ऐश्वर्या और हाय करो दोनों, हेलो कैसे हो, ठीक हूँ। अभी हम लोग, हाँ बहुत समय हो गया, हम लोग लास्ट मिले थे औरंगाबाद जाते समय, हाँ औरंगाबाद में। ये रहा हॉलीडे कैफे, हम यहाँ पर खाए, चिल किया 2 घंटा, और अभी मैं जा रही हूँ। तो गाइस फाइनली मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि दिस इज हैपनिंग। अभी मैं डिपार्चर गेट जा रही हूँ, एयरपोर्ट में हूँ, सो या बने रहिए मेरे साथ। ये रहा मेरा बोर्डिंग पास, दिस इज वन इज फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, और फिर दूसरा है कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर। ये सुपर एक्साइटेड, ब्यूटिफुल, ये देखिए कितने सारे गोल्डन फिश है, मुंबई एयरपोर्ट इज ब्यूटिफुल।
तो फाइनली सिक्योरिटी चेक इन हो गए हैं, अभी मैं जा रही हूँ गेट नंबर पे। हियर इज़ माय बोर्डिंग पास टू कोलकाता। एयरपोर्ट इतना खाली खाली सा है। मेरा फ्लाइट जो है 10:40 का है और मेरा अभी टाइम हो रहा है 8:30, सो आई हैव 2 आवर्स टू चिल। तो मैं यहीं कहीं घूमती रहती हूँ, शॉपिंग नहीं करूँगी बट विंडो शॉपिंग करके घूमती रहूँगी। तो गाइस मेरी गेट नंबर है 41 और मैं यहाँ पर 43 गेट नंबर पे आई हूँ क्योंकि दिस इज़ ब्यूटिफुल, आई लव द लाइटिंग्स हियर। देखिए ना कितना सुंदर है। एंड और ये पूरा का पूरा खाली है, ये देखिए एयरपोर्ट इतना खाली है। आई वंडर पीपल आर ट्रैवलिंग और नॉट, या शायद एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है कि ये पार्ट खाली है, कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पर चार्जिंग प्लग भी है तो मैं यहाँ पर टाइम पास करूँगी अकेले बिकॉज आई लव एम्प्टी प्लेसेस। तो मैं यहाँ पर अपने पूरे फ़ोन चार्ज करूँगी क्योंकि अभी भी 8:44 हो रहा है और मेरे पास बहुत टाइम है, लाइक बहुत है। आई स्पॉट समवन, कोई यहाँ बैठा है, आई थॉट कोई नहीं है, बस यही है एक इंसान और कोई नहीं है इस तरफ, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो यस आई स्टे हियर नाउ 9 बजे तक। तो ये देखिए मैं अपना वॉच, पावर बैंक और फ़ोन चार्ज कर रही हूँ और दूसरी फ़ोन हाथ पे है। एंड देन आई शो यू गाइस, मेरा गैजेट के लिए ये बैग लिया है, दिस इज़ फ्रॉम वाइल्ड क्राफ्ट। तो क्या होता है ना कि सिक्योरिटी चेक इन के समय में ना ऐसा बैग में ना ऐसे स्कूल बैग में ना सारे के सारे ऐसे डाल देने से ना बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है। तो मैंने सब इसके अंदर में मैंने पैक किया है मेरा। बाय द वे गॉट ए न्यू GoPro एज अ गिफ्ट फ्रॉम पीयूष, थैंक यू पीयूष, मेरा बेस्ट फ्रेंड। मैं वो GoPro लेके जा रही हूँ शूट करने के लिए, अंडर वाटर शॉट्स एकदम अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं GoPro एंड ऑल द अदर मेरा चार्जिंग का जो भी चीज़ें हैं लेके जा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। सो ये रहा, यहाँ पे है GoPro Hero 10 और ये है वो चेस्ट बेल्ट जो है GoPro का। एंड देन दिस इज़ अंडर वाटर वाला कवर GoPro के लिए। एंड मेरा फ़ोन का चार्जर, मेरा वॉच का चार्जर, एवरीथिंग गोज इनसाइड हियर। तो बहुत हैंडी होता है, तो इसको ऐसा पैक करके ना बैग के अंदर से डाल देता है तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। सिक्योरिटी चेक भी मेरा इतना आसानी से हो गया, इतना जल्दी से हो गया। सो और ना मैंने लंच में ना जो खाया था ना पास्ता और सैंडविच जो है मैंने यहाँ पर वापस पैक कर लिया, जो ज़्यादा हो गया था। तो खाना भी वेस्ट नहीं होगा, पैसा भी बच जाएगा। तो ये मैं बाद में खाऊंगी, पास्ता और सैंडविच है यहाँ पे। एंड लाइक वाइज आई वॉन्ट स्पेंड मनी हियर इन द एयरपोर्ट। और ये रहा बैग के अंदर, मैंने एक स्कार्फ लिया है इन केस फ्लाइट के अंदर मुझे लगेगा ठंडा होगा तो। एंड सी दिस इज़ कृष्णा मोतर, इतना ज़्यादा। और ये नोटिस दुकान में मिलता है, इसका MRP है 5 रुपीज़ बट नोटिस दुकान में 10 रुपीज़ में मिल जाता है, विच इज़ ओके फॉर अस क्योंकि ऑब्वियसली इतना दूर से लाता है, मुंबई पुणे महाराष्ट्र कहीं भी नहीं मिलता ये चीज़, हमारा नोटिस में सिर्फ मिलता है। तो टिया ने मेरे लेकर सारा लाया है तो मैं इसको बैग में लेके जा रही हूँ, जब जब मुझे टाइम पास खाने का मन करेगा तो आई विल ईट दिस इन द फ्लाइट। सो या आप लोग भी ऐसे करना ज़रूर, जब आप लोग फ्लाइट में जाएगा लॉन्ग जर्नी जाएगा ना ऐसा छोटा मोटा चीज़ें ना बैग में कैरी कर सकते हो, ऐसा अलाउ करता है एयरपोर्ट में। सो या फ़ोन वहाँ चार्ज है एंड आई विल जस्ट सिट हियर रिलैक्स और या बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। इस साइड देखिए फ्लाइट बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अभी कुछ ही समय में मैं अपना फ्लाइट बोर्ड करने वाली हूँ फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, फिर कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर। बहुत ज़्यादा इमोशनल और खुशी लग रहा है मुझे, ओवरवेलमिंग भी है बिकॉज दिस इज़ समथिंग डिफरेंट इन माई लाइफ। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं खुद कर रही हूँ हर चीज़ें जो भी है। एंड Day 1, Day 2, Day 3, Day 7 तक चलेगा जो भी है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना और आप लोग ज़रूर देखना मेरा जर्नी जो है लाइफ का, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि ओब्वियसली फर्स्ट टाइम है एंड फर्स्ट टाइम इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। एंड आई एम नॉट गोइंग टू व्लॉग फ्रॉम कलकत्ता ज़्यादा बिकॉज ओब्वियसली आई बी टायर्ड, आई नीड टू टेक रेस्ट, आई नीड टू स्लीप। सो इसलिए मैं यहाँ पर ही ज़्यादा बोलूँगी एंड वहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज आई थिंक वहाँ पर एयरपोर्ट जो है थोड़ा क्राउडेड भी होगा। सिंस यहाँ पर क्राउडेड नहीं है तो आई एम फीलिंग सो मच कम्फर्टेबल टू टॉक यहाँ पर। सो या मैं ये ब्लॉग जो है अंडमान पहुँचने तक मैं ब्लॉग रखूँगी, पोर्ट ब्लेयर पहुँचने तक। एंड वहाँ से फर्स्ट डे का व्लॉग दूसरा करूँगी। तो वहाँ पहुँचने तक आई एम गोना शो यू गाइस फ्लाइट से कैसा दिखता है, क्योंकि मैंने विंडो सीट बुक किया था, आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि वहाँ से पूरा सी व्यू पूरा दिखेगा, ओशन व्यू, इंडियन ओशन व्यू पूरा दिखेगा। सो या सुपर एक्साइटेड। सो या बने रहिए व्लॉग में। एंड ऑल्सो मेरा ये जो ट्रिप है इट्स अभी ऑफ सीजन है तो इसलिए मेरा फ्लाइट टिकट जो है मुझे समथिंग अराउंड टू एंड फ्रॉम मेरा 12,000 या 13,000 में हो गया मेरा टिकट, फ्लाइट टिकट का जो है। एंड मैंने ये ट्रिप जो है एक
टूर एजेंसी से कस्टमाइज़ किया सोलो ट्रिप फॉर माई सेल्फ ओनली। तो उसमें मेरा बजट था 31,000 पूरा जितना भी मेरा आइटनरी है उसमें 6-7 days का। तो आई एम गोना शो यू पूरा 1, 2, 3, 4 days जितना भी है पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। तो आप लोग भी अगर प्लान करें तो ज़रूर मेरा ब्लॉग देखना एंड शेयर भी करना। बोर्ड द फ्लाइट ई सिगरेट का उपयोग वर्जित है और ये दंडनीय अपराध है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। अभी बज रहे सुबह का 1:48 AM और मेरा नेक्स्ट फ्लाइट है यहाँ से पोर्ट ब्लेयर के लिए 5 AM को और मैं पोर्ट ब्लेयर पहुँचूँगी 8 AM इन द मॉर्निंग। तो अभी मुझे ये पूरा रात जो है सोना है यहाँ पर एयरपोर्ट में, कहीं कोने पे देखती हूँ सोने के लिए। लाउंज में बहुत लंबा लाइन होता है, अगर नहीं होता इतना क्राउड तो आई बोलती लाउंज में तो फिर कोने पे सो जाती हूँ। अभी भी पूरा ट्रिप तो मैं अभी भी पूरा समय फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता 2 hours का जर्नी में आई वॉज स्लीपिंग। बहुत टर्बुलेंस था फ्लाइट में बट सो गई। आई वॉज टायर्ड एक्चुअली। थैंक गॉड यहाँ पर भी इतना रश नहीं है। मैं सोचा बहुत रश होगा यहाँ पर बट इतना रश नहीं है। सो मैं जाती हूँ देखती हूँ कहीं बैठने के लिए। फाइनली बोर्डिंग द फ्लाइट नाउ। मैं इतना सोया नींद टूटा बहुत ज़्यादा। नींद आता है जाता है करके बहुत मुश्किल से सोया। Look at the sunrise. मॉर्निंग सुबह 5 बज रहे हैं। सुपर एक्साइटेड। गाइज फाइनली आई एम इन अंडमान, आई एम इन पोर्ट ब्लेयर और अभी मैं अपने होटल में चेक इन करूँगी। आई एम सो टायर्ड भी था बट अभी यहाँ पहुँचने के बाद ना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली फ्लाइट से जो सी व्यू था, जो आइलैंड का व्यू था, वो मुझे इतना एक्साइटेड करा दिया कि मुझे पूरा थकान और जो भी है पूरा गायब हो गया। आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो अभी बस मैं होटल में चेक इन कर लेती हूँ मेरे रूम पे, थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए निकलती हूँ एंड मैं अपना ब्लॉग भी एंड करूँगी रूम दिखाने के बाद आप लोगों को। चलिए तो ये रहा मेरा होटल का प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज हाउ इट लुक्स, वेरी सिंपल, बेड एंड ब्रेकफास्ट
मैंने बोला है मतलब बजट फ्रेंडली वाला ही क्यूरेट करने के लिए मेरा आइटनरी में, बिकॉज मैं अकेली हूँ एंड आई डोंट वांटेड द बजट टू बी 3-star 4-star होटल, सो इसलिए सिंपल वाला ही बुक कराया है एंड आई एम ओके विद इट. सो दिस इज द रेस्टोरेंट हियर, लॉबी हियर. तो गाइस मैं चेक इन कर लिया, दिस इज माई रूम, यह है बेड एंड कबर्ड, टीवी, टेबल और टॉयलेट. ओके अच्छा है रूम, बहुत अच्छा है फॉर वन पर्सन. कूल, अभी मैं एक घंटा जैसा मैं फ्रेशन अप होंगी, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाऊंगी. तो गाइस मैं अपना व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करूँगी, आप लोग देख के कैसा लगा ज़रूर बताना. ऊपर से फ्लाइट से जो व्यू था ना आइलैंड का व्यू, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ मैं अपना डे स्टार्ट करने के लिए. तो आज होगा मेरा डे वन इन अंडमान इन पोर्ट ब्लेयर, तो मैं वो सब देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना. दिस वॉज जस्ट टू रीच हेयर, यहाँ तक का व्लॉग था. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. आई एम सुपर एक्साइटेड, मेरा सोलो ट्रिप 1 day to till day 7 tak rahega. Bye.